तो आईफोन 15 सीरीज हो गई लॉन्च। अब जिन भी लोगों ने 12 सितंबर को हुए एप्पल इवेंट को नहीं देखा था तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम किस लिए बैठे हैं, हम आपको सारी की सारी चीजें एकदम डिटेल में बताएंगे। तो अब जिन लोगों को ये नहीं पता चला कि एप्पल इवेंट 12 सितंबर को था या फिर एप्पल इवेंट किस चैनल पे आया, कितने बजे लाइव हुआ, किस दिन था, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत सारे एंटरटेनमेंट मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे क्लिक करके आप इंस्टाग्राम को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वाले एप्पल इवेंट में एप्पल ने बहुत सारी चीज़ों पर बात की, कई सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की और पिछले के मुकाबले कई सारे नए चेंजेस भी लाए, जैसे कि एप्पल वॉच अल्ट्रा 2, एप्पल वॉच SE, आईफोन 15 सीरीज एंड और भी बहुत सारी चीज़ों पर एप्पल ने यहाँ पर बात की। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आईफोन 15 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स, यानी कि आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या नई चीजें आई, इसके अलावा आईफोन 15 सीरीज के प्रो मॉडल्स एंड उसके अलावा बाकी चीजों के बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसी वीक में, तो आप चैनल के साथ में बने रहिएगा। तो कमिंग टुवर्ड्स दी नॉन प्रो मॉडल्स फर्स्ट, जिसके लिए मैं और शायद आप भी सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे, तो इस बार एप्पल ने आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस से नॉच को एकदम कर दिया है टाटा बाय बाय, और अब सारे के सारे फोन्स में आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा। स्क्रीन सेम है एज ऑफ आईफोन 14, बट यहाँ पर जो इसकी ब्राइटनेस है HDR कंटेंट को देखने के लिए वो बढ़ाकर कर दी है अप टू 1600 nits की, एंड जो इसकी आउटडोर पीक ब्राइटनेस है वो आईफोन 14 प्रो मैक्स जितनी बूस्ट कर दी है 2000 nits की, जो कि बहुत अच्छी बात है। साइजेस बिल्कुल सेम रहेंगे 6.1 inches एंड 6.7 inches, बाकी 14 सीरीज की तरह यहाँ पर जो शार्प एजेस होते थे एप्पल ने उनको रिमूव करके यहाँ पर फ्रेम को थोड़ा सा राउंडिश कर दिया है ताकि वो आपके हाथ में ना चुभे। एक नया बैक ग्लास भी यहाँ पर यूज हुआ है, अब पिछली सीरीज की तरह यहाँ पर आपको शाइनी बैक देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको एक कलर इन्फ्यूज्ड बैक ग्लास देखने को मिलेगा जो वीडियो में तो काफी सुंदर लग रहा है। एक मैट फ्रॉस्टेड फिनिश के साथ में यहाँ पर आपको इसका बैक देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एप्पल कहता है कि बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट्स आपको यहाँ पर बैक में देखने को नहीं मिलेंगे, तो गुड न्यूज उनके लिए है जो कि बिना कवर के अपना फोन यूज करते हैं, एंड पहले के मुकाबले ज्यादा रिसाइकल मटेरियल्स का भी यूज किया गया है, तो विच इज अगेन अ गुड थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर कैमरास। अब दोनों फोन्स में सेम कैमरा सिस्टम है, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, प्रीवियस सीरीज के मुकाबले 12 मेगापिक्सल के सेंसर को रिप्लेस करके 48 मेगापिक्सल का सेंसर लगा दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर जब स्टैंडर्ड मोड में फोटोज क्लिक करते हैं तो ये आपको एक 24 मेगापिक्सल की क्रिस्प फोटो निकाल के देगा। अब पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी की वजह से फोटो का साइज जो होगा वो काफी ज्यादा कम होगा, बट जो आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी वो बहुत ज्यादा इनहेंस्ड होगी। अब इस सेंसर की वजह से आप 2x तक टेलीफोटो जूम कर पाएंगे और बहुत ही अमेजिंग 12 मेगापिक्सल की फोटोज निकाल पाएंगे। अब एप्पल ने ऐसा पहली बार किया है अपने नॉन प्रो मॉडल्स में, जहां पर उसने अलग से टेलीफोटो लेंस तो नहीं दिया है, बट उसी मेन प्राइमरी सेंसर से आप क्रॉप इन करके कमाल की इमेजेस निकाल सकते हैं। तो 15 एंड 15 प्लस दोनों ही मॉडल्स में यहाँ पर आपको सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर देखने को मिलेगा, जिससे वीडियो स्टेबलाइजेशन और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। कंटिन्यूस जूम का भी फीचर इस बार एप्पल ने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिससे आप काफी अच्छी सिनेमैटिक वीडियोस निकाल पाएंगे। नॉन प्रो मॉडल्स का पोर्ट्रेट मोड थोड़ा सा वीक था अगर हम लोग प्रीवियस सीरीज को देखते हैं, तो बेटर मशीन लर्निंग की वजह से यहाँ पर आप और अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल पाएंगे। फोकस एंड डेप्थ कंट्रोल भी एप्पल ने आपको इस बार इसी के साथ में क्लब करके दिया है, तो जब आप पोर्ट्रेट मोड से फोटो लेते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि फोटोज जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं आई हैं, तो एडिटिंग में जाके आप फोकस और डेप्थ कंट्रोल को मैनुअली अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे, फोकस शिफ्ट कर पाएंगे या उसे एक सब्जेक्ट पर से चेंज कर पाएंगे, तो ये भी एक फीचर एप्पल ने इस बार आपको इंक्लूड करके दिया है। अब नाइट शॉट्स में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, अब ये पॉसिबल हो पाया है A16 चिप की वजह से, जो कि थी प्रीवियस iPhone 14 Pro एंड iPhone 14 Pro Max में, जो इसको एक एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर देता है। बैटरी की बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा उसमें भी है, बट एग्जैक्टली कितना एक्स्ट्रा है ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि एप्पल कभी भी अपने इवेंट में ये नहीं बताता कि इस पर्टिकुलर फोन या फिर इस iPad की बैटरी कितने mAh की है। बट अगर प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करें और स्टडी करें तो आपको फॉर श्योर 15-20% बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीरीज। अल्ट्रा वाइड बैंड चिप जो कि सेकेंड जनरेशन की है, उसका भी सपोर्ट आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा, जो आपको मदद करेगा बेटर प्रिसीजन एंड फाइंडिंग्स में, प्लस ये विजन प्रो के साथ में भी कंपैटिबल है। एक नया फीचर जिसको एप्पल ने नाम दिया है रोड साइड सैटेलाइट असिस्टेंस, अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये आपको फ्री मिलेगा 2 साल के लिए आईफोन 15 के परचेज के साथ में। फॉर एग्जांपल आप एक वीरान जगह फंस जाते हैं, आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है एंड आपके फोन में नेटवर्क भी नहीं है, तब आप इसकी मदद से एक हेल्प बुला सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये किस तरीके से वर्क करेगा, कितना यूजफुल होगा, ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो अब एक ऐसा फीचर, एक ऐसी चीज जिसका बेसब्री से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे,
ऑल्दो एंड्रॉइड यूजर्स इसको बहुत सालों से यूज करते चले आ रहे हैं, वो है टाइप सी पोर्ट। तो फाइनली एप्पल ने लाइटनिंग पोर्ट को बाहर फेंक दिया एंड आपको सारे के सारे फोन्स में टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 2.0 स्पीड्स के साथ नहीं चलेंगे, बट एक अच्छी बात यह है कि आप इस टाइप सी पोर्ट के जरिए अपनी एप्पल वॉच या फिर अपने ईयरपॉड्स को वायर्ड तरीके से रिवर्स चार्ज कर पाएंगे अपने आईफोन से। अब नए फोन्स आए हैं तो नए कवर्स भी आएंगे। एप्पल ने एक नया मटेरियल फाइन वोवन नाम का लॉन्च किया है, जिसके केस आपको 15 सीरीज के लॉन्च के साथ में देखने को मिल जाएंगे। एप्पल ने लेदर को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, बट हाँ सिलिकन केसेस एंड एप्पल के क्लियर केसेस आपको अब भी फोन के साथ में देखने को मिलेंगे। अब इतने सारे इंप्रूवमेंट्स होने के बाद भी इन फोन्स में एक खराब चीज ये है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्रोमोशन डिस्प्ले आएगा या फिर एक 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले आएगी, एटलीस्ट 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले तो आएगी ही आएगी, तो एप्पल ने वापस से उन लोगों को डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पर आपको अभी भी स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज की जो डिस्प्ले है एंड जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर है वो एप्पल ने अभी भी सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए ही रिजर्व करके रखा है। स्टोरेज, प्राइस एंड कलर्स की बात करें तो 128, 256 एंड 512 GB यहाँ पर आपको स्टोरेज वेरियंट्स देखने को मिलेंगे दोनों ही फोन्स में। उसके अलावा 5 कलर्स में आपको ये फोन्स देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे पिंक, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड येलो। इसके अलावा प्राइसेस जो है वो अच्छी बात ये है कि पिछली सीरीज आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस की तरह ही रहेगी, यानी कि 79,900 फॉर आईफोन 15 एंड 89,900 फॉर आईफोन 15 प्लस। तो ये थी कहानी इन्हीं नए आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस की। बाकी इनके प्रो मॉडल्स एंड इसके अलावा एप्पल ने जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं इसी एप्पल इवेंट में, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अगली होंगी, तो आप चैनल के साथ में बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिएगा। इसी के साथ में हमारा भी एक छोटा सा गोल है कि दिवाली तक हमें कंप्लीट करने हैं 2000 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल के ऊपर, जिसके हम लोग काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड कीप लाफिंग।